Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Sacha rang ishq da, baaki sab jhoote rang le a dil mein. Yaar ke rang mein bin tere mar jaana, jina tere sang mein tu bhi kabhi hans ke bol maiya. कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने बोला ना, बिल्कुल चुप हो जाओ, बस चुप। मरियम, 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 किस तरह सबल से काम टूटा है? मेरी बच्ची है वो, मैं माँ उसकी, एक माँ की तरह कैसे समझाऊँ आप लोगों को? क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते हैं? यार तुम बिना वजह बात को बढ़ा रही हो, मैं इस पर कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मैं इस पर बहस करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं। सर पड़ रहा है मेरा। बेटा ये मेडिसिन खा लो, देखना फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं खानी मेडिसिन कोई। नरवीन बेटा दवाई खा लो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, मजीद परेशान मत करो। राजन मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है, मेरी जिंदगी किस काम की है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। नरवीन क्या हो गया तुम्हें बेटा, क्या उलफल बक रही हो? अल्लाह ना करे मरियम को कुछ हो। मरियम बिल्कुल ठीक है, भाई साहब ने कहा तो है कि वो कल सुबह मरियम को ले आएंगे। खा लो मैच। ताजा, मेरे मरने के बाद ना मेरी मरियम को मेरी बॉम के हवाले कीजिएगा, उस गैर जिम्मेदार लड़की के हवाले नहीं कीजिएगा, प्लीज प्लीज। बेटा इसमें एहसास का कोई कसूर नहीं, मैंने कहा ना तुमसे कि कल मरियम आ जाएगी इंशाल्लाह। कैसे माफ कर सकते हैं यार आप लोग, कैसे माफ कर सकते हैं उस लड़की को जिसकी वजह से मेरी बेटी के साथ ही सब हुआ है? बेटा मैंने कहा ना एहसास का कोई कसूर नहीं है, ये हादसा किसी की मौजूदगी में भी हो सकता था, जैन भी तो था वहां। भाभी इसे समझाइए, हम पहले बहुत परेशान हैं, मैं इस घर में मजीद कोई बदमस्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया आप दोनों को, क्यों बिला वजह के सीन क्रिएट कर रही है? और नरमीन तुम, तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे एक दिन। ओवर एक्टिंग करती रहती हूँ। एक तो इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, क्या कितना बदतमीज हो गया ना ये। देखो नरमीन क्या तो वो ठीक ही रहा, अब तुम ये रोज रोज के ड्रामे सर पर हाथ रख के चीखना चलाना थोड़ा कम कर दो। भाई सबको बेवकूफ बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत तेज है, जरा ख्याल से। तुमने हाथ उठाया कैसे उस पर? हाथ क्यों उठाया? मैंने तुम्हें समझाया अभी तक कि उस लड़की को टच भी नहीं करना है तुमको, वो मेरे दोस्त की भांजी है, मेरी भी रिश्तेदार लगती है, मर गई तो क्या होगा? तो मैं क्या करती, इतनी जिद कर रही थी ना, कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, अगर वो भूखी रहती तो फिर आप मुझे डांटते ना। प्यार से हैंडल नहीं कर सकती थी तुमसे? प्यार से भी समझा कर देख लिया जिब्रान, वो कुछ नहीं समझ रही, उसने बस एक ही रट लगाई हुई कि बस घर जाना है घर जाना है घर जाना है। इतनी जिद्दी और बदतमीज बची मैंने आज तक नहीं देखी। नाश्ता दिया सर? नहीं। क्या तुमने तुमने नाश्ता नहीं दिया? उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, सुबह का 10 बज रहा है, तुमने उसको नाश्ता नहीं दिया, तुम होश में हो? खुदा ना करे उसको कुछ हो जाएगा तो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें इस काम की एक रुपया भी नहीं दूंगा, एक टका नहीं दूंगा अगर तुमने मेरे मुताबिक काम नहीं किया तो। जाके उसको नाश्ता दो, नहला उसको, उसके हाथ साफ होने चाहिए, उसके कपड़े उसके मुंह साफ होने चाहिए जब वो वहां जाए।
मरियम 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 क्या हुआ? मरियम उठो, मरियम मरियम क्या हुआ? मरियम उठो, आंखें खोलो मरियम। क्या हुआ सर? पता नहीं, मैं कमरे में आई और इस तरह पड़ी हुई थी, शायद ये बेहोश हो गई। शायद नहीं, यकीनन बेहोश हो गई है। तुम्हें समझाया अभी तक? तुम्हें समझाया अभी तक? इसके ऊपर हाथ मत उठाना। रात से इससे कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई है तो बेहोश नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब पुलिस लेके जाएगी तुम्हें। हटो यहाँ से। उठो बेटा, जल्दी लाओ, छीटा मारो। बस बस मरियम मरियम, मुझे मम्मा के पास जाना है। इसको तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये वक्त बहस का नहीं है जिब्रान, हमें इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मरियम बेटा उठो। ऐसे कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, थोड़ी देर में इसका बाप आ रहा है पैसे लेके। उठाओ उसको, बेड पे लिटाओ। मरियम आओ, उठो। मरियम 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 आंखें खोलो। मरियम मुझे मामा के पास ले चलना है, मुझे मामा के पास जाना है। आपको लेके चलते हैं मामा के पास, आप उठो पहले, मुंह हाथ धो, तैयार हो, फिर हम मामा के पास चलेंगे। सही है? सुनो, उसकी तबीयत ठीक करो, उसको दवा दो, नहलाओ, नाश्ता कराओ और फौरन बाहर निकलो। चलो मरियम उठो, हम मामा के पास चलते हैं अभी। सही है? आप पहले मुंह हाथ धो, उसके बाद आप कुछ खाओ, फिर हम मामा के पास चलते हैं। सही है? चलो उठो उठो, आ जाओ, आओ। तुम्हारे उल्टे हाथ पे तुम्हें झाड़ियां नजर आ रही हैं, बैग वहां रख दो और आगे ग्राउंड में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। जाओ बैग लेकर आओ। मरियम की देखभाल कौन करेगा, इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। और हाँ, तुम्हारे इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहां सिर्फ एक मेहमान हो, और इस बात को अच्छी तरह याद रखना। छोड़कर मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस। आई लव यू मामा। लव यू टू माय बेटा। मामा आपको पता है उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था, मैं अकेली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। उन्होंने आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया था? और आपको पता है वहाँ एक अंकल और एक आंटी भी थी। अंकल ने आंटी से कहा इसे कमरे में बंद कर दो, फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, फिर आंटी ने मुझे मारा भी था, फिर मैं जमीन पे गिर गई। मेरी गुड़िया को मारा? अच्छी बात पता चली, वो कौन है? मैं उसे जान से मार दूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, मेरी बच्ची से दूर रहो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ भुगता है हम लोगों ने। मामा छोड़ो मुझे, मेरी मेरी मामा के पास जाना है। मरियम मरियम मरियम, मैं हूँ तुम्हारी मामा बेटा, ये नहीं है मामा, मैं हूँ मामा, मुझसे मिल भी नहीं रही हो आप। हाँ छोड़ो मुझे, मेरी मामा के पास जाना है। समझ क्यों नहीं आ रही है बेटा बात? नरमीन ये क्या कर रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ ताया, ये सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है। आप देख नहीं रहे किस कदर लापरवाही बढ़ती है इसने कि आज आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा है? मैं जिंदा हूँ अभी, संभाल सकती हूँ अपनी बच्ची को खुद, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई टेक केयर ऑफ हर, प्लीज प्लीज ताएजान। चलो मरियम 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 चलो मरियम मरियम मरियम। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। मरियम मरियम क्या हुआ तुम्हें? मरियम
मैं। डॉक्टर साहब हाँ मेरा अच्छा बोल रहा हूँ, अभी मेरी घर पहुंची। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चलेंगे। अगर कोई खतरा हो गया तो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस जगह के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। मगर ज़ैन को? उसके फरिश्तों को भी। चलो एक काम करते हैं, हम पैसों को हाफ ऑफ कर लेते हैं। और हाँ एक बात का ख्याल है, बच्ची के बाप ने हमें 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है? ओके, लेकिन अगर ज़ैन ने पूछा तो? देखो वो कभी भी अपने ताए जान से कंफर्म नहीं करेगा, और मुझसे पूछेगा तो जाहिर है मैं उसको सच नहीं बताऊंगा। हाँ अगर उसने तुमसे पूछा और तुमने उसको बता दिया तो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जिब्रान। मैं भी। वेटर, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बच्चे को, अच्छे भरे थे। बेटा तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किसी को छुआ ना, जान दे दो। खुश रहो कमल, डॉक्टर भी देख कर गए, हम कह रहे हैं कि सब ठीक है, बस बेआरामी और स्ट्रेस की वजह से ये हालत हो गई है। नो बिग डील। इसे बहुत तेज बुखार है अहमद, नॉर्मल नहीं है सब कुछ। लोग ये पानी की पट्टियां करते रहो, वेन मेडिसिन लेने गया भी आ जाएगा। एहसास मरीम के कुछ खाने को लेकर जी, मैं भी लेकर आती हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बच्ची का कोई काम नहीं करोगी अब। घर में मुलाजिम मौजूद है और तुम्हें बहुत ही दिल चाह रहा है खिदमतें करने का, तो अपने मियाँ और अपनी माँ की करो, मेरी बच्ची के इर्द गिर्द भटकने की कोई जरूरत नहीं। मॉम आप मरियम के लिए प्लीज कुछ बना देंगे, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या तरीका है, किस तरह से बात की तुमने एहसास? तुम अब भी ये कह रहे हो मत, तुम्हें एहसास नहीं मेरी बच्ची की जो हालत है इस वक्त उस लड़की की वजह से है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तो ये अपना रवैया जो है ना, अपनी जुबान अपने काबू में रखो। तुम नहीं समझ पाओगे, मैं अब आ गई हूँ मत, और मैं अपनी बच्ची का ध्यान खुद रखूंगी। मुझे नहीं जरूरत है कि कोई मेरी बच्ची का ध्यान रखेगा। मरियम की देखभाल कौन करेगा, इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। और हाँ तुम्हारे इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहां सिर्फ एक मेहमान हो, और इस बात को अच्छी तरह याद रखना। कहां है यार तू, तुझे कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं उसे तबीयत ठीक नहीं है। और एक बात बता, तुझे मैंने मना किया था ना कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तुझे अंदाजा भी है कि अगर उसको कुछ हो जाता तो हम्माद भाई हमको जान से मार देते। नहीं नहीं आज नहीं मिल सकता मैं, कल मिलते हैं। चल ठीक है। और हाँ मेरे पूरे 50 लाख तूने देने, समझ रहे ना? हाँ पूरे 50 लाख। ओके। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये छुप छुप के तुम्हारी बातें सुनने की याद गई नहीं अभी तक?
मैं छुपकर आपकी बातें नहीं सुन रही थी। चाय लेकर आई थी आपके लिए जो आपने ही मंगवाई थी। तो दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना। जैन, ये मेरा कमरा है और मुझे यहाँ आने के लिए किसी किस्म के मैनर्स निभाने की जरूरत नहीं है। चाय दे देना, अब जाओ। अभी भी खड़ी है तुम? मैंने कहा जाओ। मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा कमरा है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी और जब दिल चाहेगा तब यहाँ से जाऊंगी। वैसे भी मुझे रेस्ट कर। शुक्र है अब बुखार तो नहीं है सर। आशरा से पहले से बहुत अच्छी है। अब तुम इसके खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ, आप टेंशन ना लें, मैं कलेजे से लगा के रखूंगी अपनी बच्ची को। मामा, मामा मुझे क्या हो गया था? बीबी मेरी जान, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर डॉक्टर अंकल को बुलाया, उन्होंने आपको दवाई दी और आप बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग कौन? सब तो है ना यहाँ। दादा जान, पापा और एहसास मामा। देख रही हैं, अभी होश में आई है और उस चुड़ैल की याद आने लगी इसको। मामा, आप किसको चुड़ैल कह रही हैं? किसी को नहीं, लेट जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ये सब। पता नहीं क्या जादू कर दिया चुड़ैल ने मेरी बच्ची पर। ये जादू क्या होता है मामा? मरियम, कुछ नहीं होता है जादू, बोला है ना तुमको आराम करो, समझ में नहीं आता? बेटा, बच्ची है वो, इसके साथ प्यार और नरमी से बात करो, समझ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसे तुम्हारी आदत हो जाएगी, सब भूल जाएगी, देखना तुम। वो सुरैया आ गई मेरी बेटी के लिए, अच्छी से ये खिचड़ी बनाकर लाई है। मेरी बेटी खाएगी ना तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। गुड। सुरैया आंटी ने बनाई है? हाँ, सुरैया आंटी ने बनाई है और हम खाएंगे। सुरैया आंटी के हाथ की खिचड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तो कुछ चीज भी अच्छी नहीं लगती मुझे उनके हाथ की। मुझे अपनी एहसास मामा के हाथ की खाना है, मैं नहीं खाऊंगी ये। क्या हो गया है मरियम, खाना तो खाना पड़ेगा ना। ये लो, खाओ। इसमें तो बहुत मिर्ची है मामा, मैं नहीं खाऊंगी ये। कोई मिर्चे मिर्चे नहीं है, चुपचाप खाओ। ये लो। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं। अरिया, ये नहीं खाऊंगी। अरिया, तुम्हारी तबीयत सही? ये तो बिल्कुल हाथ से निकल गई। मॉम, दिस इज टू मच, आई कांट टेक दिस। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। वी हैव टू डू समथिंग, कुछ करना पड़ेगा इस एहसास का मुझे। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं, क्योंकि अगर तुम वाकई उसे अपनी औलाद समझती ना तो इस तरह काफिल ना होती, मेरी बच्ची का हाथ ना छोड़ती। पता नहीं एहसास, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप रो क्यों नहीं है? मामा ने डांटा है आपको? अरे मेरे जान, आपकी मामा मुझे क्यों डांटेंगी? मैं जानती हूँ, वो आपको बुरा भला कहती हैं, चुड़ैल कहती हैं आपको। नहीं, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी सी है ना, बहुत बुरी बात होती है अपनी मामा को इस तरह कहना। कोई आपको कुछ कहता है मुझे बहुत बुरा लगता है। आई लव यू। आई लव यू टू माय बेटा। अच्छा, आप रोया मत करें, मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा मामा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ बना कर दे दें जल्दी से। अच्छा, मेरी बेटी क्या खाएगी? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर,
और इतना सारा बर्गर खाएगी मेरी बेटी। अकेली खड़ी हो, खाने का वक्त हो गया, जाके सुरैया का हाथ बटाओ। अब चले मैं आती। तुम रो रही हो क्या? जैन से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़े तो मियां बीवी के दरमियान होते हैं, सिर्फ मुझे कभी बीवी का गुस्सा दिया। क्या कह रही हो रबाब? तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता, थक गई। ऐसे क्या कर दिया उसने? क्या नहीं किया अम्मी? दुनिया की हर बुराई है उसमें। शराब पीता है, जुआ खेलता है, औरतों के पास जाता है, फरेब करता है। क्या कह रही हो? तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। क्या कह रही हो रबा? तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता। अरे उसने तो शादी भी मुझसे अपने मतलब के लिए की थी। लेकिन सहन से अलग होकर हम लोग जाएंगे कहाँ? उसी घर में फिर तलाक, पुराना मोहल्ला। जब आप, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? दो दो तलाकों के बाद से शादी कौन करेगा? शादी शादी शादी, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। आपको समझ में नहीं आता कि शादी का सुख मेरी किस्मत में नहीं है? खबरदार खबरदार, जो आपने दोबारा शादी का लफ्ज भी लिया मेरे सामने तो नफरत हो गई है मुझे मर्दों से। फिर भी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मरियम कह रही थी कि कोई आंटी थी और कोई अंकल, और ये भी कह रही थी कि अंकल को मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या जी? हमारे घर में कौन आता होगा जिसे मरियम ने देखा हो? कहाँ यार आप? आप यहाँ बैठी है, सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ आपको पागलों की तरह। कहाँ थी? क्या हो गया, क्यों इतना गरज रही हो? पता भी है कुछ? आपकी नवासी वहां बैठकर अपनी सौतेली माँ के हाथ से खाने खा रही। ओह माय गॉड, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? इतने बड़े वाक्य के बाद भाई साहब कभी उसे माफ नहीं करेंगे, धक्के मार मार के घर से निकालेंगे। हमें कुछ करने की नौबत ही नहीं मिलेगी। ये गलत फहमी है आपकी महज, मैंने देखा है सबको, सब एहसास के साथ वैसे ही रवैया रखे हुए हैं जैसे पहले था। इनफैक्ट और अच्छा हो गया है, मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस औरत की गफलत की वजह से मेरी बच्ची किडनैप हो गई। यार मैं होती ना धक्के मार कर उसे घर से बाहर निकालती यहाँ से। तुम फिक्र मत करो, हमाद उसे धक्के मार के घर से निकालेगा भी और तलाक भी देगा। जरा सब्र करो। कितना सब्र करूंगी मैं, सब्र ही तो कर रही हूँ अभी तक।
आप कुछ नहीं कर सकती। पागल हो गई ये लड़की, वक्त की नजाकत को ही नहीं समझती। पहले वक्त और था, आज वक्त और है। ये ले तेरी अमानत, पूरे 40 लाख, वो भी कैश। लेकिन हमारी तो 50 लाख डील हुई थी ना। बिल्कुल भी थी। तो फिर देख तू अपने वादे से फिर रहा है। कोई नहीं फिर रहा, जो बात हुई थी वही दे रहा हूँ। हाँ वो 20 लाख रुपए मैंने उस लड़की को दे दी। कौन सी लड़की? मैं वही लड़की जिसने हर मामले में हमारी मदद की थी यार, उसको कमीशन नहीं देता मैं। लेकिन यार 10 लाख ले रहे था, 20 लाख क्यों दिए? अबे हर मामले में फ्रंट पे थी वो, अगर उसको गोली लग जाती तो तुम्हारे अम्माद भाई गोली चलाने लगे थे उसको, तो ये 20 लाख काफी नहीं उसके लिए? फिर भी 10 दे रहता है। अबे तू बड़ा नाशुक्र आदमी है, 40 लाख रुपए मिल रहे तुझे बैठे बिठाए, कुछ किया भी नहीं तूने। सारा काम मैंने किया, उस लड़की ने किया बस। अबे तुझे तो हमारा शुक्र गुजार होना चाहिए था। अबे दिल बड़ा कर अपना, छोटी छोटी बातों में अपसेट ना हो कर यार। और जो हमारे लिए काम करते ना उनको हमें मुआवजा देना पड़ता है, तभी वो काम होता है, कोई फ्री में आपके लिए काम नहीं करता है। मैंने जो उसको 20 लाख रुपए दिए ना, वो 20 लाख रुपए तेरे हिस्से में से नहीं दिए, 10 तेरे हिस्से में से दिए, 10 मैंने अपने हिस्से में से दिए, तो इधर भी बराबरी रखी मैंने, तुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है आ जा। बेटा आपने किसी को देखा था? नहीं बस एक आंटी ही थी पापा। अच्छा और कोई नहीं था? नहीं हाँ एक अंकल भी थे मगर वो मुझे याद नहीं। उनकी शक्ल याद है आपको? नहीं उस वक्त मेरी तबीयत खराब हो रही थी ना। अच्छा अच्छा अब तो ठीक हो ना? खाना खा लिया? मरियम आप अभी तक जाग रही हैं? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी मामा। ठीक है अब मत जाइएगा। थैंक यू मामा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? प्लीज अम्माद से बात करें, आपकी ये खामोशी मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रही है। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ, क्या मुझे एक दफा भी माफ नहीं कर सकते? सो जाओ एहसास, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अम्माद मैं कसम खाकर कहती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने मरियम का हाथ जानबूझकर नहीं छोड़ा था। अच्छा मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़। अंदाजा है आपके कि मरियम का किडनैप किसने करवाया होगा? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन तुमने भाई साहब को देखो, फौरन से पहले 2 करोड़ निकाल के दे दिए। तो क्यों ना दे, पैसे की कमी है उनके पास। वो और बात है कि सिर्फ मुझे ही देने में आग लगती है सबको। वो लीजिए आपके होनहार बेटे भी आ गए। होनहार बेटा नालायक और हड़ हराम कहो। बड़ी ज्यादती कर रही है अपने इस काबिल और जहीन बेटे को इतने बड़े लकब नवाज का। आप देखिएगा
आपका बेटा बहुत जल्द बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। अच्छा, और वो एक दिन आएगा कब? बहुत जल्द, अनकरीब मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला हूँ। मेरे ख्याल में ना जैन, तुम्हें सबसे पहले ना ये फजूल मूवीज देखनी बंद कर देनी चाहिए। जैन अपने काम पर ध्यान दो, भाई साहब कल तुम्हारी शिकायत लगा रहे थे। एक तो आपके भाई साहब को मेरी शिकायतों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है ना। सब सेट है ना, सब ओके, बड़े खुश लग रहे हो। कमबख्त मारा जुआ जीत कर आया होगा। एग्जैक्टली, सही गैस किया आपने, पूरे 25 लाख रुपए जीता हूँ। 25 लाख? क्या 25 लाख? चले अब जल्दी से उठे, आज आप लोगों को जैन डिनर करवाएगा किसी 5 स्टार में। रियली? वाओ मैन, भाई हो तो ऐसा, शॉपिंग भी करवा देना यार प्लीज। डन, मैं तैयार होके आती हूँ इससे पहले कि इरादा बदल ले अपना। मेरा ख्याल है हमाद बेटा, तुम्हें मरियम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से उसे फिर सब कुछ याद आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो बच्ची है, उसे क्या पता कि वो लोग कौन थे। नहीं डैड, मैंने बहुत पोलाइटली नहीं, बस बातों बातों में उससे पूछा। फिर भी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मरियम कह रही थी कि कोई आंटी थी और कोई अंकल, और ये भी कह रही थी कि अंकल को मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या? जी, हमारे घर में कौन आता होगा जिसे मरियम ने देखा हो? पता नहीं डैड, मैंने उससे ज्यादा फोर्स नहीं किया। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो जो कोई भी है, इस काम में हमारा कोई जानने वाला इन्वॉल्व है। और वो लड़की? मरियम बता रही थी कि एहसास फोन पर थी, वो एहसास से हाथ छुड़ाकर टॉय शॉप पर चली गई। वहां पर थोड़ी देर बाद वो आंटी आई और उसने कहा कि तुम्हारी मामा जो है वो गाड़ी में बैठी हुई है, तुम्हारी टॉय भी ले चुकी है, तो तुम फौरन गाड़ी में चलो उनके पास। बस मरियम इसलिए उसके साथ चली गई। तो क्या वो लड़की गाड़ी खुद चला रही? नहीं, गाड़ी तो कोई और चलाता, जाहिर बात है वही आदमी होगा जो मरियम कह रही है कि अंकल। यकीनन ये काम अकेली लड़की का तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसके साथ होगा, और वो कौन हो सकता? वो जो कोई भी है, मेरे हाथ उससे बचेगा नहीं। मैंने सोच लिया कि मैं प्रॉपर इंक्वायरी करवाऊंगा। अरे नहीं बेटा, नहीं, अब इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बच्ची सही सलामत हमारे घर आ गई, हमारे लिए यही काफी। बेटा तुम लोगों की जान मुझे बहुत अजीज है, तुम इस मामले में पढ़कर अपनी जान खतरे में खामखा मत डालो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। डैडा मुझ पर भरोसा रखे, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि जिन लोगों ने मेरी बेटी को जरूरत पहुंचाया उन्हें इस तरह आजाद खुला छोड़ दूं। आज मेरी बेटी को किडनैप किया, कल किसी और बच्ची को किडनैप करेंगे। ऐसे घटिया और सलील लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं छोड़ूंगा। एहसास, ये नरवीन का लहजा तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही तल्ख नहीं हो गया? पहले तो बड़ी मीठी बनी तुमसे बातें करती थी, और अब एकदम से इतना जहर आ गया उसके लहजे में। वो मीठी चुड़ी बन के मुझ पे वार कर रही थी, मैं ही बेवकूफ थी जो उसे समझ ना सकी। वो तो सिर्फ मेरी नजर में अच्छा बनकर हमदर्दी बटोर रही थी ताकि वो इस घर में वापस आ सके। और देखिए आ गई वापस। इसका मतलब है ये भी अपनी माँ और भाई की तरह अपने चेहरे पर एक नकाब लेके बैठी है। कभी कभार तो मुझे डैड और अम्मा पे बहुत तरस आता है कि वो इतने धोखेबाज लोगों में अपनी जिंदगी गुजार रहे जिस बात का उन्हें इल्म ही नहीं है। और ये ब्रेन ट्यूमर का क्या चक्कर है, सच है या ड्रामा है?
पता नहीं आप ही अल्लाह जाने, हम कुछ नहीं कह सकते भाई। बहुत खूबसूरत, मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी। सुनो, रात के खाने में कढ़ाई गोश्त बना लेना। जी वो तो मैं बना लूंगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग तो असल में बाहर लंच करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए तुम अपने लिए कुछ दाल वाल बना लेना। चलो बच्चों। देखा, देखा आप लोगों ने, नौकरों के जैसा बर्ताव किया जाता है मेरे साथ इस घर में। ना मैं किसी की बहू, ना बीवी, ना भाभी, एक थर्ड पर्सन की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया की सबसे फालतू चीज हूं। मुझे भाई साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन डर लगता है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। शादी की पहली रात से मैं उस आदमी का पर्दा रख रही हूँ, उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त कर रही हूँ, हर बात बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। इंसान हूं मैं, अम्मी खिलौना नहीं हूं। अच्छा बताना, हमारा अगला शिकार कौन? हमारा अगला शिकार है एहसास, तुम्हारी भाभी, हम आपकी बीवी, हमारी बहन की सौतन। मरियम बदतमीजी क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ जवाब दे रही हो? देखो अगर इसी तरह करती रही ना तुम, छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें हमेशा के लिए, जैसे आप पहले मुझे और पापा को छोड़कर चली गई थी। मरियम मैं जानती हूँ जरूर कोई गड़बड़, जैन फितरतन अपनी माँ और बहन पर गया। आई एम श्योर ये लोग मिलकर बिजनेस में जरूर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तुम हमाद भाई से बात क्यों नहीं करती? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। कैसा प्लान? हम लोग एहसासों का बिल करवा लेते हैं। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कोई आसान काम है क्या?